सरकारी सिस्टम में प्राइवेटीकरण का बोलबाला, नौनियालों के शासकीय विद्यालय में गाड़ दिया ट्रांसफार्मर का खंभा। जिला शिक्षा अधिकारी सरपंच के बाद अब आवेदन लेकर कार्यालय पहुंची प्रधान अध्यापिका। जहां एक और शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार बार बार दावे कर रही है, तो वहीं जमीनी स्तर पर सरकारी विद्यालयों की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। प्रदेश में प्राइवेटीकरण का कुछ ऐसा असर दिखाई दे रहा है कि अब सरकारी अधिकारी शिकायत लेकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। ऐसा ही एक मामला आज जनसुनवाई के दौरान देखने को मिला, जहां एक विद्यालय की प्रधान अध्यापिका विद्युत विभाग के द्वारा गाड़े गए खंभों को निकलवाने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रही है। मामला गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के अमिलिया गांव का है। यहां के शासकीय प्राथमिक शाला में विद्युत विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर लगाने के लिए खंभे गाड़ दिए गए। विद्यालय 5वीं तक का है और मैदान छोटा होने के कारण जब इस बात के लिए प्रधान अध्यापिका के द्वारा ऐतराज़ किया गया तो उसकी एक भी नहीं सुनी गई। सरकारी सिस्टम पर प्राइवेटीकरण का कुछ ऐसा असर भारी पड़ा कि अब वह विद्यालय से जिला शिक्षा अधिकारी, सरपंच, कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के चक्कर लगा रही है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। जी जी सर, हमारे स्कूल परिसर में छोटा सा फील्ड है, वहाँ पे ट्रांसफार्मर के खम्भे या बिजली के खम्भे, पता नहीं मुझे कि क्या करना है वहाँ पर, गड़वा दिए हैं। छोटा सा फील्ड है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ हो जाएगा, कोई घटना घट जाएगी तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा सर? जी अब सर ये ठेकेदार गाड़े हैं कि कौन गाड़ा है इसकी जानकारी हमको नहीं है। इलेक्ट्रिक खंभे हैं जी। तो अभी आपने एमपीवी को शिकायत की? एमपीवी को हम नहीं किए हैं सर, वो गोविंदगढ़ मेरा लगता है, तो वहाँ मैं पहुँच नहीं पाई हूँ। एक शिक्षकीय विद्यालय है, मेरे यहाँ 49 बच्चे हैं, तो मैं सर वहाँ जा नहीं पाई। कहाँ का मामला है? ये सिपुरवा संकुल का है। जी ये PS अमिलिया खेर सिपुरवा 601 का है। मैं जिला पंचायत में की हूँ सर, और पंचायत में की हूँ, अपने यहाँ ग्राम पंचायत में की हूँ।